वेलकम बैक गाइज, दिस इज कौस्तुभ, दिस इज विशाल एंड वेलकम टू आवर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। तो आज 30th November है, तो हमने एक पोजिशन ली है। तो आज की इंट्राडे की पोजिशन में अराउंड MTM 14,000 प्रॉफिट चल रहा है, और पोजिशन और टोटल इंट्राडे में अराउंड 23 चल रहा है। तो आज मे बी पोजिशनल हम एग्जिट करने वाले हैं और इंट्राडे का प्रॉफिट अराउंड 25,000 रखेंगे। और अभी 15,000 के प्रॉफिट क्रॉस हुआ था, इसलिए ट्रेल करने वाला है स्टॉप लॉस अराउंड 10,000 का। तो अभी स्ट्रैंगल पोजीशन है 18,550 का पुट और 18,750 का कॉल। 2020 पे सेल किया था, अभी दोनों में अच्छा डीके देखने को मिला कांस्टेंट, तो अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला यहाँ पे। तो यहाँ पे अराउंड हमारी एंट्री हुई थी, उसके बाद कॉल ने थोड़ा स्पाइक दिया क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो थोड़ा कॉल में थोड़ा फियर है, इसलिए कॉल ने थोड़ा स्पाइक दिया था। उसके बाद देखो फिर से नीचे आ गया, तो कॉल ने फिर से डिके दिया, तो इसलिए अच्छा MTM अभी देखने को मिल रहा है। तो कोई एडजस्टमेंट लगी तो वी विल कीप यू अपडेटेड। टाइम इज 9:50 एंड यहाँ पे निफ्टी ने कल का जो रेजिस्टेंस था वहाँ से एक सेलिंग का प्रेशर निफ्टी में दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक सेलिंग आई है एंड उसके वजह से हमारा जो पुट था वो एक्सप्लोड हुआ है। लो 17 से लेकर ये 27 तक उसने आया, हमारा 10 पॉइंट का गेन पुट में हुआ। तो यहाँ पे हमने पुट को रिस्क ऑफ किया अराउंड 24 को 25 को पुट को रिस्क ऑफ करके नीचे के स्ट्राइक पे शिफ्ट किया 18,500 के। तो अभी पोजीशन चल रही है 18,500 का पुट एंड 18,750 का कॉल। तो ये स्ट्रैंगल की पोजीशन चल रही है एंड अभी ओवरऑल MTM हमारा 24 से लेकर 25,000 के बीच में एंड जो निफ्टी के आज की जो इंट्राडे की पोजीशन है उसमें 13 से 14 का प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी आइडिया क्या रहेगी कि अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज दिखाए तो इस पोजीशन में हमारा बेनिफिट होगा, बट नीचे से अगर ये लो ब्रेक करते आगे तो यहाँ पे पुट स्पाइक होने का खतरा है। पर यहाँ पे डे का लो का सपोर्ट भी, तो यहाँ तक देखना पड़ेगा कैसा रिएक्ट करता है पुट। अगर ज़्यादा ही एक्सप्लोड होने लगते हैं तो हमें कॉल से रिस्क ऑन करना ही पड़ेगा, बिकॉज देख के बैठ नहीं सकते, बिकॉज पुट को एक्सप्लोड अगर लो ब्रेक होता है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड हो सकता है। इसलिए इट्स मतलब डिपेंड करता है कि ऑप्शन का बिहेवियर कैसा रहता है, तो उस सिचुएशन में हमको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कॉल को रिस्क ऑन करेंगे या फिर अगर रिएक्शन नहीं देता तो यहाँ तक होल्ड करने के लिए ट्राई करेंगे। तो अभी 18,750 के कॉल से 18,700 कॉल पे आएंगे अगर पुट यहाँ से अगेन थोड़ा ज़्यादा रिएक्शन दिखाने लगता है, तो नहीं तो ये पोजीशन होल्ड करने के लिए ट्राई करेंगे। अगर कोई एडजस्टमेंट करता हो तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो टाइम इज 1:30, अभी करंट MTM हमारा 10,000 to 11,000 चल रहा है और पोजिशनल में 20,000। तो अभी करंट पोजिशन 18,550 का पुट और 18,750 का कॉल। तो हमने दो एडजस्टमेंट किए थे, यहाँ पे अगर डाउन जा रहा था तो इस टाइम हमने कॉल रिस्क ऑन किया था 50% क्वांटिटी, पूरा नहीं किया था बस 15%, मतलब 1800 क्वांटिटीज किया था। टोटल हमारा 3,600 रहता है, तो हमने 50% शिफ्ट किया था कॉल को। तो उसके बाद ऊपर जाने लगा तो फिर से हमने कॉल को रिस्क ऑफ किया और इस पॉइंट पे फिर से हमें पुट रिस्क ऑन करना पड़ा। तो 18,500 का पुट था वो शिफ्ट करना पड़ा 18,550 पुट पे। तो इसमें डिके तो देखने को नहीं मिल रहा, प्रीमियम बहुत चीप है, इसलिए अभी देखते हैं साइडवेज होता है यहाँ से तो अच्छा प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। टारगेट तो अभी 20,000 ही ले रहे हैं क्योंकि प्रीमियम बहुत ही कम है और स्टॉप लॉस भी हमने ट्रेल किया है। यूजुअली 25,000 रहता है, तो बस अब यहाँ पे 10,000 लॉस दिखा तो एग्जिट करने वाले। तो अभी आइडिया ये है कि ये न्यू हाई अगर ब्रेक करता है आज का हाई अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमें कॉल रिस्क ऑफ करना पड़ेगा या फिर पुट रिस्क ऑफ, डिपेंडिंग ऑन प्रीमियम बिहेवियर। और अगर
अराउंड इस स्विंग के अगर नीचे जाने लगता है तो हमें पुट रिस्क ऑफ करना पड़ेगा या फिर कॉल रिस्क ऑफ, अगेन डिपेंडिंग ऑन योर प्रीमियम बिहेवियर। सो आई विल कीप यू अपडेटेड। 240 एंड निफ्टी ने अगेन ऑल टाइम हाई ब्रेक किया एंड न्यू हाई आज बनाया है। अभी निफ्टी 18,700 को टच करके यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी कॉल में इतना ज़्यादा मतलब बिहेवियर बहुत ज़्यादा गेन हुआ कॉल में। अगर आप देखो यहाँ पे तो निफ्टी ने ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सिर्फ 23 से लेकर 22 पॉइंट की मूवमेंट दिखाई। एंड अगर हम कॉल देखें यहाँ पे तो कॉल ने ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद 25 पॉइंट्स की मूवमेंट दिखाई। तो मतलब जितना निफ्टी का स्पॉट मूव हो रहा है उससे ज़्यादा ऑप्शन की प्राइजेस मूव हो रहे हैं, मतलब इन द मनी कॉल ऑप्शन। तो ये मतलब ऐसा हर दिन नहीं होता, ये आईवी के कारण हुआ है। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है ना, उसके बाद ऊपर की तरफ बड़ा स्पाइक लगा है, इसके वजह से कॉल में ये सिर्फ गामा स्पाइक थी। तो इस गामा स्पाइक में हमें हमारे स्टॉप लॉस को ट्रिगर करना पड़ा। जो स्टॉप लॉस हमारा डे के स्टार्ट में था वहाँ से ट्रेल करते वक्त हम 10,000 के रिस्क पे हमने ट्रेल किया था, तो उसके अंडर ओवरऑल लॉस रखा है। तो 6,400 का लॉस यहाँ पे आज बुक किया है। तो कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर हम इस टाइम की बात करें तो एक मिनट पहले, मतलब ये ब्रेकआउट होने के एक मिनट पहले यहाँ पे अराउंड ओवरऑल प्रॉफिट 24 से लेकर 23 चल रहा था। एंड जो MIS की आज की पोजीशन थी उसमें भी 10 से लेकर 12-13,000 तक प्रॉफिट आज के दिन चल रहा था। तो विद इन वन मिनट में ये एक स्पाइक लगी तो यहाँ पे तुरंत तो वो सब प्रॉफिट चला गया। बिकॉज यहाँ पे ये स्पाइक में देखो कॉल ने कितनी बड़ी स्पाइक लगाई है, तो उसके कारण प्रॉफिट चला गया। पुट यहाँ पे पूरा फ्लैट हो गया, पुट ने डीके नहीं दिया तो आई वी गेन हुआ। एंड जो भी कुछ डीके मिला था वो सब एंड में यहाँ पे फिर से गेन हुआ है। इसके वजह से ओवरऑल ट्रायंगल बढ़े एंड हमें हमारे स्टॉप लॉस फिर स्टॉप लॉस पे निकलना पड़ा। तो लो विक्स एंड लो प्रीमियम पे ऐसा ही होने वाला है, आने वाले दिन टफ होने वाले, सिर्फ आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एंड अभी आज मंथ भी एंड हुआ है नवंबर मंथ, कल से दिसंबर मंथ चालू होने वाला है। एंड मंथ के स्टार्टिंग में एक्सपायर है तो थोड़े से सिर्फ स्टॉप लॉस एंड टारगेट में हम चेंजेस करने वाले हैं। बिकॉज प्रीमियम लो है एंड इस लो प्रीमियम पे बड़ा स्टॉप लॉस लेके कुछ फ़ायदा नहीं है, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड उतना नहीं है। तो उस हिसाब से रिस्क भी कम करेंगे एंड रिवॉर्ड भी कम करेंगे। तो कल से जो मॉडिफिकेशन करेंगे वो हम कल के ट्रेड में बताएंगे। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।